स्वर्णिम हिमाचल के अवसर पर सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर रंगड़ में गुरुवार को आयुष विभाग द्वारा आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। आरोग्य आयुर्वेदिक मेले का शुभारंभ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर उनका पहुंचने पर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सरिता राणा, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर इंचार्ज डॉक्टर पुनीत के साथ भाजपा पदाधिकारियों व पंचायत प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ने बताया कि स्वर्णिम हिमाचल के अवसर पर प्रदेश भर में ग्रामीण स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आरोग्य मेले लगाए जा रहे हैं। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम हिमाचल 50 वर्ष पूरा होने पर मना रहा है और भारत 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। संयोगवश दोनों कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं, जिसके चलते ये आरोग्य मेला ग्रामीण स्तर पर लोगों को सुविधा के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि योग भगाए रोग, करो योग रहो निरोग, ये इसलिए कहा गया है कि अगर आप अपने शरीर को 30 मिनट प्रतिदिन योग के माध्यम से देते हैं तो आपको कम बीमारियां लगेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने आयुष विभाग के सहयोग से जो आरोग्य मेला लगाया गया है, इसका भरपूर लाभ लोगों से लेने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की तीन चीजों के प्रति लगातार मांग रहती है, जिसमें सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। गांव के लोग बेहतरीन सड़क चाहते हैं, एक युवा बेहतरीन शिक्षा चाहता है और समाज का प्रत्येक वर्ग बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ चाहता है। तीनों ही चीजें ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं, जो कि खुशी की बात है। स्वर्णिम वर्ष चल रहा है, आजादी का 75वां साल शुरू हो रहा है, तो उसको अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है देश आ रहा। तो अमृत महोत्सव और स्वर्णिम वर्ष के दोनों को मिलाकर जो शानदार सहयोग बना है, उसमें इस विभाग ने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा मिली, चिकित्सा की, शिक्षा की, सड़क की हमारी प्राथमिकता हमेशा रही है। हर गांव सड़क से जुड़े, हर बच्चा जो पैदा होता है अच्छी शिक्षा मिले, वो स्वस्थ रहे, बीमार हो जाए तो इलाज ठीक हो, तो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सड़क सुविधा, ये बहुत आवश्यक है। उस दिशा में रंगर में आज सुविधा आपको मिल रही है। डॉक्टर साहब ने बड़ी बात महत्वपूर्ण कही है, हम भारत को विश्व गुरु बोलते हैं और बार बार कहते हैं कि हम फिर से विश्व गुरु बनना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, योगी 19वीं सदी, अंग्रेजों की सदी, यूरोप की सदी, अमेरिका की सदी, फिर 21वीं सदी भारत की होगी। अब रात 3 बजे प्रधानमंत्री पहुंचे अमेरिका, तो वहां स्वागत हो रहा था, जानने में तो मेरी बोली परिवर्तन एक आया है। तो लंबी बात हो जाएगी, मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात करना चाहूंगा। आपने अच्छा सुना होगा आयुर्वेदा, योगा, ये शब्द योग और आयुर्वेद है। आयुर्वेद के साथ योगा स्वास्थ्य का जुड़ा हुआ ज्ञान, वेद का होता है ज्ञान, और योग तो आपको दिखाएंगे सामने हाजिर है शादी। जोड़ने का काम होता है, शरीर में जो थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, उनको दूर किया, और रोज अगर आप आधा घंटा पौधा घंटा योग कर लें तो बहुत सारी बीमारी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अंग्रेज लोग आयुर्वेदा जैसे नाम को रामा बोलते थे, आयुर्वेद को आयुर्वेदा, योग को योगा, तो हम
भी पैसे बोलने शुरू हो गए। योग हमारा है, आयुर्वेद हमारा है, ये भारत का ज्ञान है और यही है दुनिया में ज्ञान है। लेकिन 200 साल की गुलामी अंग्रेजों की ओर से पहले कई सदी है दूसरी गुलामी, उसका असर क्या हुआ? हमें विश्वास खत्म हो गया, आत्मविश्वास। हम क्या कर सकते हैं? किसी को अगर गुलाम बनाना हो तो उसके आत्मविश्वास को तोड़ दो। आत्मविश्वास खत्म हो जाता है तो आदमी कुछ नहीं करता। हमें लगा जो देश बोलते वो ठीक है, ठीक विदेश बोलते आप ठीक है, तो जब रंग नहीं रहे देश पड़े हमारे और कहा वेदांत बहुत अच्छे हैं, पब्लिक बोले वेदांत अच्छे हैं, हमारे तीन लोगों ने पढ़ा, विश्व ने ज्ञान लिया हमारे।